चलो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट ग्रेविटेशन. क्या होता है ग्रेविटेशन? मतलब फेनोमिनन विच इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज हैज ए टेंडेंसी ऑफ मास. तो मास मतलब क्या होता है? व्हाट इज मास? टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट. ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, ठीक है. उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? क्या था ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. Inversely proportional to the square of the distance between them. That is, F proportional to M1 M2 upon R square. F equals to G M1 M2 upon R square. G kitna tha? And value of G was discovered by Henry Cavendish. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था gravitational force. Basically, it's a central force. मतलब acts along the line joining two centers. उसके बाद में gravitational force doesn't depend upon intervening medium, then it is applicable for point masses only. It is the weakest force in nature and applicable the distance. Kitna distance hota hai? Up to infinity. Uske baad mein humne dekha tha ki agar suppose more than two masses space mein place kiye aur unke interaction ka hamein force calculate karna hai, to uske liye hum kya karte hai? Principle of superposition of forces use karte hai. Matlab ki net force acting on the given mass is given by vector sum of all the forces exerted by each mass on the given mass. और उसका application हमने देखा था कि अगर triangle के three vertex के ऊपर तीन masses place किए तो resultant force acting on any given mass कितना होता है? And वही अगर square के चारों vertex के ऊपर place करेंगे तो gm square upon a square into root 2 plus 1/2, ठीक है. उसके बाद अगर masses circular motion perform कर रहे due to gravitational force of attraction, तो masses से along circumference of the circle, then उसकी velocity होती है v equals to 1/2 root of gm by r. and वही अगर तीन masses होंगे equilateral triangle के vertex के ऊपर तो root of क्या है? gm upon l, ठीक है. and उसके बाद में दो मतलब एक mass को दो part में divide करना है so that force will be maximum. कितना होगा ratio? 1:2, मतलब इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. देन फोर्स एक्सर्टेड बाय पॉइंट मास ऑन नेबरिंग मास gm न्यूटन अपॉन r स्क्वायर. होलो स्फीयर ऑन ए पॉइंट मास आउटसाइड द स्फीयर gm अपॉन r स्क्वायर. ऑन द सरफेस है तो इनसाइड है तो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड है तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर है तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है तो बस r डैश बाय कैपिटल r से मल्टीप्लाई करना, ठीक है. देन वहां पे अगर रिंग फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड अ मास इन विच एनी अदर मास विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. और रिपल्शन होगा क्या? नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मासेस इंटरैक्ट करते हैं तो सिर्फ वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ऐसा कहा बिकॉज मासेस की एक ही टाइप होती है, दो टाइप के मास नहीं होते, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी. क्या होता है? फोर्स acting per unit mass denoted by E given by E equals to F by M. SI unit होगा न्यूटन पर kg. स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर है. फिर उसके सारे एप्लीकेशन, अगर पॉइंट मास के आउटसाइड पॉइंट दिया है तो माइनस ऑफ gm अपॉन r स्क्वायर. होलो स्फीयर है, आउटसाइड पॉइंट है तो होलो स्फीयर है. सरफेस के ऊपर पॉइंट है तो होलो स्फीयर है. इनसाइड पॉइंट है तो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड है तो सरफेस के ऊपर है तो इनसाइड है तो R dash by capital R, ठीक है. उसके बाद में अगर रिंग फोर्स सॉरी इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो कौन मत बीच बटन लगली तो काट दे, ठीक है. मास नहीं लग दू, ठीक है. रिंग की वजह से कितना होगा? gm x अपॉन r square plus x square raise to 3/2, ठीक है. उसके बाद में आता है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. क्या होता है? बेसिकली इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी W इज इक्वल्स टू बनेगा m इंटू v. तो v बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. उसको डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट
मास कितना होता है माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। फिर से वही पॉइंट मास के आउटसाइड है पॉइंट, तो पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। हॉलो स्पेयर के आउटसाइड है तो सरफेस के ऊपर है तो इनसाइड है तो, सॉलिड स्पेयर के आउटसाइड है तो सरफेस के ऊपर है तो इनसाइड है तो जीरो नहीं। शुक्ला माइनस ऑफ जी एम इन ब्रैकेट थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब कहीं पन का संस्कृत विचारते संगीत लग मन ठीक है। उसके बाद में अगर सेंटर पे फाइंड करना है तो क्या होगा आर डैश बनेगा जीरो, तो वी बनेगा माइनस ऑफ थ्री बाई टू जी एम अपॉन कैपिटल आर ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ग्रेविटेशनल नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था सरफेस के ऊपर एट हाइट एच पे जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर वेरिएशन पढ़ते टाइम फर्स्ट वेरिएशन था ड्यू टू हाइट और अल्टीट्यूड कितना था जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर उसको सिंप्लीफाई किया था एट जी एच इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट वन माइनस बट ये अप्रोक्सीमेशन है इसलिए एप्लीकेबल होगा अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10% ऑफ आर मतलब हम उसको कभी यूज नहीं करेंगे ठीक है। कितना डिस्टेंस 640 किलोमीटर से कम है तो वहां पे एप्लीकेबल होगा ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर हमें दिया जाता है कि जी एच इज वन बाई एन टाइम्स ऑफ जी देन एच इज गिवन बाय रूट एन माइनस वन इन टू आर लेकिन अगर गिवन है कि जी एच इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ जी देन वेरी गुड देन आता है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ और डेप्थ के लिए फॉर्मूला था जी डी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट वन माइनस डी अपॉन आर और वहां पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन मिला था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कितना था 4/3 पाई रो जी इन टू आर यानी स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल आर इफ एंड जी प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर स्क्वायर से इफ मास इज कॉन्स्टेंट ठीक है। देन उसके बाद में हमने एक रिलेशन देखा था कि जी एच एंड जी डी विल बी सेम एट ए डिस्टेंस कितना d equals to twice of h, d is equals to twice of h, तो write down next point, if radius of the planet changes by 2 charger ki galu ne azun ani fan chalu kar theek hai if radius of the planet is changes by delta r then change in acceleration due to gravity will be delta g by g equals to minus of 2 into delta r by r। अब माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे क्योंकि अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो डेल्टा जी डिक्रीज होगा अगर रेडियस डिक्रीज होगी तो डेल्टा जी इंक्रीज होगा दैट्स वाई ये माइनस है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इफ mass and radius both changes if mass and radius both changes then change in acceleration due to gravity is given by delta g by g equals to delta m by m minus of 2 into delta r by r मतलब हम फ्रैक्शनल एरर लेते थे उसी तरह की ये प्रोसेस है वही कंसेप्ट है बस ये एरर नहीं है ये क्या है सिर्फ चेंज है। डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम माइनस टू इंटू डेल्टा आर बाय आर डिफरेंस क्या है कि वहां पे हर बार हम एरर को पॉजिटिव ही लेते थे लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं लेना है नेगेटिव तो नेगेटिव रखना है क्योंकि ये चेंज है एरर नहीं है वो एरर था इसलिए हर बार उसको हम पॉजिटिव लेते थे प्लस लेते थे ठीक है। नेक्स्ट स्टार मार्क करके अगेन नेक्स्ट पॉइंट Absolute decrease in acceleration due to gravity. decrease, D E C R वाला decrease.
एब्सोल्यूट डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट और अल्टीट्यूड, ड्यू टू हाइट और ड्यू टू अल्टीट्यूड। मतलब हमें कैलकुलेट करना है जी माइनस जी एच को, डेल्टा जी कितना होगा, करो कैलकुलेट, जी माइनस जी एच, वेरी गुड, कितना होगा, टू एच जी बाय आर। डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होगा, टू एच जी बाय आर। हे कुठून आलं, फक्त हे जी आणि जी एच चा फॉर्म्युला पुट करायचा आणि सबस्ट्रॅक्शन करायची, तीच लहानपणीची। नेक्स्ट, फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फ्रैक्शनल डिक्रीज आ गया, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी को जी से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेल्टा जी बाई जी बनेगा टू एच बाय आर। एंड इसके बाद में आएगा परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेल्टा जी बाई जी को 100 से, यानी टू एच बाय आर को 100 से मल्टीप्लाई करना, ये बनेगा परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, प्रिया डोर क्लोज कर, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन acceleration due to gravity, calculate the percentage decrease in acceleration due to gravity at a height of 4r, at a height of 4r, क्या होगा 4r, मतलब 4 into 2 8r, 8r by r, तो कितना आएगा डिक्रीज, 800% से डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज लिखा है इसका मतलब वो कम हो रही है, अगर डिक्रीज नहीं होता है, सिर्फ 800% आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब 8 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 टाइम्स वो कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सेम हमें एब्सोल्यूट डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है ड्यू टू डेप्थ, तो उसके लिए क्या होगी कंडीशन, जी माइनस जी डी, कितना आएगा जी माइनस जी डी, करो वैल्यू पुट, कम ऑन फास्ट, जीडी का फॉर्मूला क्या था प्रिया, जीडी वेरी गुड, डीजी बाय आर, क्या जीडी बाय आर एक असे, ठीक है, डीजी बाय आर, तो अगर हमें यहां पे फ्रैक्शनल डिक्रीज चाहिए तो क्या होगा, सिर्फ डी बाय आर, एंड अगर परसेंटेज डिक्रीज चाहिए तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इक्वल्स टू डी बाय आर इंटू 100। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, और शेप ऑफ द अर्थ के लिए कंडीशन क्या थी कि अर्थ की जो शेप है वो हमें लगती है स्फेरिकल है, बट स्फेरिकल नहीं है, कैसी है, ओवल शेप है, एंड ओवल शेप होने की वजह से क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग की रेडियस पोलर प्लेन के रेडियस से ज्यादा होती है, कितने से, तो उसके वजह से भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे जी कम होगा, यानी जी एट पी ग्रेटर होता है देन जी एट ई पे, और कितने से ग्रेटर होता है, जी पी माइनस जी इक्वल्स टू बनेगा 0.018 मीटर पर, ये किसके वजह से, ड्यू टू शेप, सेम मतलब सेम एक्सप्लेनेशन हमने अप्लाई किया था, चेंज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द, अब अर्थ के रोटेशन से ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट क्यों होता है, कंडीशन क्या है कि हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है और वहां पे हमने देखा था कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी एक्ट होगा, एंड उस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, मतलब एक दूसरे को अपोज करते हैं, दैट्स व्हाई हमें इक्वेटर पे या फिर पोल पे या कहीं पे भी अगर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ा सा वेरिएशन ऑब्जर्व होता है, विच इज गिवन बाय जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वेयर फाई का मतलब लैटिट्यूड। अभी लैटिट्यूड मतलब क्या था, लैटिट्यूड मतलब एंगल मेड बाय पोजिशन वेक्टर ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। और उसमें हमने कंडीशन देखी कि अगर हम इक्वेटर पे खड़े तो फाई बनेगा जीरो, तो जी डैश बनेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, पोल पे खड़े तो फाई बनेगा 90, जी डैश बनेगा, मतलब यहाँ पे भी पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से ज्यादा होता है और उनका डिफरेंस आता है जीपी माइनस जी इक्वल्स टू 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दोनों को इफेक्ट को कंबाइन करेंगे शेप का एंड रोटेशन का, तो कितना आता है 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसमें एक कंडीशन और देखी थी कि अगर हमें वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करनी है अर्थ पे एट इक्वेटर, तो अर्थ को रोटेट होना पड़ेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1/800 रेडियन पर सेकंड, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स या फिर 1.4 आवर। और उसको खत्म करके कल के लेक्चर में शुरू किया था डिस्कशन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोजिस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अनदर बॉडी एंड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। तो अर्थ से रिलेटेड अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो बनेगी माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। फिर उसमें हमने स्पेशल केसेस देखी थी कि अगर हमें बॉडी को डिस्प्लेस करना है आर वन से लेके आर टू पे, मतलब हाइट उसकी चेंज करनी है, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन माइनस ऑफ इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन अगर हमें बोला है कि एक बॉडी पहले सरफेस के ऊपर थी उसको एट हाइट h के ऊपर लेके जा रहे, तो वहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, r इन ब्रैकेट r प्लस एच, या फिर उसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म था mgh इन ब्रैकेट r अपॉन r प्लस एच, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने देखा था कि अगर सिस्टम ऑफ दो मासेस बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एंड यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर एक मास को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन जीरो होगा, दूसरा मास लेके आ रहे हैं तो वर्क डन होगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन, ये आया कहां से, उसके लिए फिर से हमने डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इंटू वी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी सेम एक्सप्रेशन को यूज किया था, ठीक है। फिर वहां पे अगर ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस हम प्लेस कर रहे हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, जो भी सेपरेशन दिया है साइड लेंथ दी है वो, ठीक है। उसी तरह से अगर स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर चार मास प्लेस करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ फोर टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन ए माइनस ऑफ टू टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन रूट टू ए था, बट उसको सिंप्लीफाई करके उसको रूट टू टाइम्स बोला था, रूट टू टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन ए। यानी कि अगर किसी भी n नंबर ऑफ मासेस का कॉम्बिनेशन दिया है और कॉम्बिनेशन की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वहां पे कितने वर्क डन रिक्वायर्ड होंगे, n इन ब्रैकेट n माइनस 1/2। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को हमें अर्थ के ऊपर थ्रो करना है एट हाइट h, तो उसको h इतनी हाइट अटेन करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस h बाय r। एंड अगर हमें v इतनी वेलोसिटी से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी कितनी होती है, h इक्वल्स टू v स्क्वायर r अपॉन माइनस ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है, होती है हाइट अटेन बाय द बॉडी, ठीक है। और उसके बाद में फिर सिंपल सिंपल बातें डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड उसके बाद शुरू किया था डिस्कशन अबाउट एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, मतलब मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द बॉडी सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। और उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली जो भी बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो निगेटिव है, एंड ये एनर्जी निगेटिव है इसलिए बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है। अगर हमने इस एनर्जी को जीरो बना दिया तो क्या होगा, बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से एस्केप होके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चली जाती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर प्लेस की है तो उसके पास टोटल एनर्जी होती है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, एंड अगर उसको एस्केप कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू, तो वी को बोलेंगे बस वी ई, यानी एस्केप वेलोसिटी कितनी आती है, रूट ऑफ 2gm अपॉन r, रूट ऑफ 2gm अपॉन r, या फिर एज यूजुअल अगर gm को gr स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो रूट ऑफ 2g इनटू r। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी होती है,
11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एंड अगर प्लैनेट बदल गया तो वहां पे जो एस के वेलोसिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम बाय आर, मतलब प्लैनेट के मास एंड रेडियस के अकॉर्डिंग उसके एस के वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। फिर उसके हमने एप्लीकेशंस देखे थे कि अगर किसी सरफेस के सॉरी किसी प्लैनेट के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है मतलब एवरेज वेलोसिटी है, वो लेस देन एस्केप वेलोसिटी है। प्लैनेट के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब आरएमएस वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है, मतलब सारे गैसेस एस्केप हो गए, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि बॉडी प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वी विच इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है, तो वो मूव करेगी इन द स्पेस, जो स्पेस ग्रेविटी के बाहर होगा, विथ रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी ऑफ रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। अगर लेस देन वी है तो हाइट अटेन करके ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगी, ठीक है। एंड अगर इक्वल टू वी तो एस्केप तो करेगी बट नेग्लिजेबल वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये सारी केसेस देखने के बाद हमने ब्लैक होल को भी इंट्रोड्यूस किया था। क्या होता है ब्लैक होल, मतलब मैसिव बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ विच एस्केप वेलोसिटी इज इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, इट मीन्स इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ब्लैक होल। तो उसी तरह से अर्थ को अगर ब्लैक होल बनना है तो अर्थ की जो रेडियस है वो डिक्रीज होके कितनी बननी चाहिए, 9 मिलीमीटर, ठीक है। सो इतना सारा डिस्कशन हमारा हुआ था। नाउ नेक्स्ट, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट बाय इट्स ओन, एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। कोई भी बॉडी है जो प्लैनेट के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे मूव होती है उसको हम बोलते हैं एज ए सैटेलाइट। एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल मून, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो सैटेलाइट के दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल हो गया मून, अजून कुठला नेचुरल, आपल्याला एकच आहे का नाही, अर्थला एकच आहे ना, सनच सॅटेलाइट नाही अर्थ, अर्थ प्लॅनेट आहे बेटा, म्हणून अर्थ हे होईल का सॅटेलाइट होईल का नाही असं नसत, हा काय ते पण दिसत नाही ना आपल्या काही कामच नाही येणार, ठीक आहे। तो अर्थ के लिए क्या आहे, एक ही आहे मून, आर्टिफिशियल भरपूर आहे, बहुत सारे, ठीक आहे ना, जसे की स्पुटनिक एवढाच माहित पाहिजे आपल्याला, लय झालं तर आर्यभट्ट, बाकी काही इंडियन नाही, ठीक आहे। आर्यभट्ट इंडिया का फर्स्ट, स्पुटनिक वर्ल्ड का फर्स्ट, विषय संपला, ठीक है। तो ये सैटेलाइट मतलब क्या होता है, कैसे क्या उसमें बनता है, सब कुछ मालूम है आपको, 5 मिनट में इसको खत्म करते राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। आता यात काही लिहायचं नाही, तुम्हाला फक्त ऐकून घ्यायचं, ठीक आहे। सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कैसे करते, बेसिकली देखो सैटेलाइट को लेके जाने के लिए हमें कार मोटरसाइकिल साइकिल ये कुछ काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाने के लिए हम बनाते हैं स्पेशल लॉन्चिंग व्हीकल्स, उनको बोला जाता है एलवीज, एलवी मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, आणि गावठी भाषेमध्ये आपण त्याला रॉकेट म्हणतो, ठीक आहे। तो रॉकेट मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, दोनों भी सेम होती है, उसमें दो टाइप की लॉन्चिंग व्हीकल्स होती है, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, ठीक है। आपल्याला काही त्याच्या डेप्थ मध्ये जायचं नाही, पीएसएलवी म्हणजे काय, जीएसएलवी म्हणजे काय, असतात भारी असतात, ठीक आहे। पीएसएलवी मतलब पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको हमें क्या करना है, लो अल्टीट्यूड पे मतलब अर्थ के क्लोज उनको प्रोजेक्ट करना है, तो वहां पे छोटा रॉकेट रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम पीएसएलवी बोलते हैं। बट जीएसएलवी मतलब क्या होता है, जिसमें हमें क्या करना है, एक सैटेलाइट लॉन्च करना है जो जियो स्टेशनरी होगा। अब ये जियो स्टेशनरी मतलब उनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो ये सैटेलाइट जो है जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी हाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर से, उनकी हाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर से कितनी होती है, कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, एग्जैक्टली 35,786 है, लेकिन हम उसको कंसिडर करते हैं 36,000 किलोमीटर, कहते काकड़ा, आपकी रेडियस कितनी है अर्थ की, 6400 किलोमीटर, और अर्थ के सरफेस के ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितनी हाइट पे, 3600 पे नहीं, 36,000 किलोमीटर, इतनी हाइट पे।
इतनी हाइट पे अगर सैटेलाइट को लेके जाना है तो वो पीएसएलवी का काम नहीं होता है, वहां पे जीएसएलवी लगता है। ठीक है, जीएसएलवी खूप मोठा असतो, बनवायला पण खूप वेळ लागतो, 2-5 वर्ष मिनिमम लागतात इसरोला, कळालं ना? बाकी विषय सोडून द्या, ठीक आहे? इसरो सगळ्यात फास्ट आहे जगामध्ये, इसरोला 2-5 वर्ष लागतात, त्याचं बजेट जीएसएलवी बनवायचं काहीतरी किती असतं मला नाही माहिती, पण रे काय येडाबिडा झाला का तू, 90 करोडला पवन ते सॅटेलाइट बनत नाही, ते सिलिकॉनची पत्री येत नाही, मोर दॅन 4-5,000 करोड रुपीज फक्त त्या जीएसएलव्हीच्या कन्स्ट्रक्शन मॅन्युफॅक्चरिंग टीमचं बजेट जे काही असतं त्यासाठी रिक्वायर्ड असतं। मला पण एवढं डिटेल माहीत नव्हतं, मग मिशन मंगलमध्ये थोडंसं ऐकलं होतं, ठीक आहे? तो ऐसे जीएसएलव्ही होता, ठीक आहे? सॅटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, आताची कंडिशन सोडून द्या, आता आपण खूप प्रोग्रेस केली, बट इनिशियल जो बेसिक मेकॅनिझम है सॅटेलाइट लॉन्चिंग का वो कुछ इस तरह से होता है कि सॅटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम यूज करते हैं मिनिमम 2-स्टेज रॉकेट। क्या यूज करते हैं? मिनिमम 2-स्टेज रॉकेट। ते बघितलं असेल कधीतरी असं दिसतं बघा, हो अजून डायग्राम ड्रॉ नाही केली, हो ते डायग्राम मध्ये वेळ घालवायला मला अजिबात आवडत नाही, त्यामुळे आपण अशा डायग्राम ड्रॉ करत असतो, ठीक है? तो ये क्या होता है? रॉकेट होता है। इसमें क्या होती है? मिनिमम 2 स्टेज होती है। 2 स्टेज म्हणजे 2 टप्पे असतात, 2 कप्पे असतात, ठीक है? उसमें फर्स्ट स्टेज का काम होता है सैटेलाइट को, मतलब रॉकेट को, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल को अर्थ के सरफेस के ऊपर से पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाना, ठीक है? तो बेसिकली ये जो सराउंडिंग में देख रहे हो आप, ये सेकंड स्टेज ऑफ रॉकेट का पार्ट आता है, ठीक है? ये इनका स्ट्रक्चर इससे फिक्स होता है। तो स्टार्ट में हम इग्नाइट करते हैं, तो ये जो साइड में आप देख रहे हो इसमें जो फ्यूल होता है वही बर्न होता है। सेकंड स्टेज जो है वो रिजर्व होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब इस तरह से होता है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट, देन उसके ऊपर आती है ये सेकंड स्टेज ऑफ द रॉकेट, एंड ये सेकंड स्टेज के ऊपर इस तरह से हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं। ये हो गया लॉन्चिंग व्हीकल रेडी फॉर लॉन्चिंग, ठीक है? तो जब हम फर्स्ट स्टेज को इग्नाइट करते हैं तो इग्निशन के बाद में क्या होता है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, हमने थ्रस्ट में देखा है। क्या होगा? हाई प्रेशर में गैसेस बर्न होंगे और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, थ्रस्ट एक्ट होगा, कितना, U×dm/dt, एंड बाय वर्च ऑफ दैट थ्रस्ट ये रॉकेट जो है वो अपलिफ्ट करता जाएगा, ठीक है? अब नॉर्मली देखो कि हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है, मैंने डिस्टेंस कितना बोला है, 36,000 किलोमीटर, कितना बोला है, 36,000 किलोमीटर। इथून औरंगाबाद पासून दिल्लीचं डिस्टन्स मॅक्स टू मॅक्स 2,500 किलोमीटर आहे, 2,500 किलोमीटर प्लस मायनस काहीतरी पकडून चला, तो एक राउंड दिल्ली से वापस जाके आएंगे तो कितना हो रहा है, 5,000 किलोमीटर, मतलब 10 राउंड दिल्ली में, दिल्ली को जाके आना है हमें, 10 राउंड मारने के लिए नॉन स्टॉप जाएंगे, एकदम भारी नरेंद्र मोदी ची नवीन कार घेऊन गेलो आपण, तरी पण किती वेळ लागेल आपल्याला, खूप जास्त वेळ लागेल, ऍटलीस्ट 2-3 डेज, कळतंय? एंड वही ये लॉन्चिंग व्हीकल जब रॉकेट को लेके जाती है 36,000 किलोमीटर पे, तो उसको रॉकेट को उस हाइट पे लेके जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, 16-18 मिनट मैक्सिमम। उतने टाइम में क्या होता है, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में सेट हो जाता है, हाइट पे तो लेके जाता है लेकिन सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में सेट होता है, ठीक है? ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट वो एक्ट हो रहा है, और उसमें कंडीशन क्या है, F=U×dm/dt एक्ट होने वाला है, मतलब जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज तो होगा, लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो फ्यूल होता है रॉकेट के अंदर उसका मास कम हो जाएगा, और जितना मास कम हो रहा है उतना ज्यादा मोमेंटम उसके ऊपर इम्पार्ट होगा, मतलब उतना ज्यादा वो थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, मतलब एक मोमेंट ऐसी आएगी कि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 10 है उसको हम कंसिडर करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंसिडर नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है 100 से 400 तक 400 से 800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, तो ट्रिमेंडसली हाई वेलोसिटी वो अटेन करता है आफ्टर, मतलब प्रोजेक्ट करने के 2-3 मिनट के बाद में, ठीक है? आता हे टाइम है ना प्रत्येक केस मध्ये चेंज होऊ शकतात, कळालं ना? नाहीतर लगेच लेक्चर झालं, एखादा जाईल पवन गुगलवर सर्च करेल, सर ते 22 मिनिट लागले होते, तुम्ही 18च म्हटले, ठीक आहे? तर अशा पद्धतीने हे रॉकेट क्या करताय, सॅटेलाइट को लॉन्च करताय। तो फर्स्ट स्टेज का काम क्या होता है, सिर्फ ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाना, इसका फ्यूल खत्म हो गया इसको हम डिटैच करके फेंक देते हैं। कहाँ पे फेंकते हैं? इसलिए जो भी लॉन्चिंग पैड्स होते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, सी शोर पे होते हैं, समुद्र के आसपास होते हैं। औरंगाबादला कुठलाच नाही लॉन्चिंग पॅड, कुठे आपला इंडियाचा, श्रीहरिकोटा, कुठं, तिकडं कुठतरी आहे, एक केरळ में, एक ओडिसा में, अँड एक बँगलोर मध्ये लॉन्चिंग पॅड नाही बेटा, इस्रोचं हेडक्वार्टर आहे, हो नंतर बघू आपण, ठीक आहे? तो जो सी शोर आहे वहां पे होता है, ठीक आहे? तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज
पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद हमें डिटैच करके इसको फेंकना है, तो ये फेंकने के बाद शहरावरियों घरावरियों ने पड़ला पाइजे, नहीं तो घोल उन जाइल, इसको हमें कहाँ पे गिराना पड़ता है, पानी में गिराना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है, फिर ये निकल गया, सेकंड स्टेज बचती है, फिर पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद सेकंड स्टेज को हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री में, जिस डायरेक्शन में उसको सेट करना है, फिर सेकंड स्टेज इग्नाइट होती है और वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट प्रोवाइड करता है। और हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर सेंट्रल फोर्स एक्ट हो रहा है एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर उसको वेलोसिटी है, तो बॉडी क्या करती है, मूव होती है अलोंग सर्कुलर पाथ। तो फिर बॉडी और सेकंड स्टेज ऑफ द सैटेलाइट उस सैटेलाइट के साथ में क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट में सेट होती है, और इस तरह से हम बोलते हैं कि सैटेलाइट क्या हो गया, क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया अराउंड द सर्फेस ऑफ अर्थ। बट घोल क्या होता है कि प्रत्येक वेळी जो सैटेलाइट अपन लॉन्च करते हैं वो सक्सेसफुल लॉन्चिंग उसकी होती नहीं है। जहां तुम्हें लान होते 2009 के पहले इसरो के हर एक मिशन में अगर देखेंगे, सकाल पसंद एकदम वातावरण निर्मित हुई थी, आज इसरो रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, नाकरा वाला समोर लगे ब्रेकिंग न्यूज ही, सैटेलाइट ने जो नहीं सैटेलाइट को जो लॉन्च करने वाली लॉन्चिंग व्हीकल थी उसका प्रोजेक्शन फेल करके वापस आ गए। सारे सैटेलाइट के प्रोजेक्शन क्या होते थे, फेल होते थे बिफोर 2009। बट त्याच्यानंतर सैटेलाइट आपल्या इसरो ने बऱ्याच साऱ्या नंतर समझो, ठीक है। तो ये अर्थ होती है, तो हमने क्या किया, सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के ऊपर से इस हाइट के ऊपर लॉन्च कर दिया, और उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने के बाद अगर सैटेलाइट इस तरह से एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में सेट होके अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि सैटेलाइट का प्रोजेक्शन क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, देखो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, कितना एक्ट होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। अब स्मॉल आर का मतलब क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस, मतलब उस सैटेलाइट का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो हाइट अगर एच है तो हम स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच। तो सैटेलाइट के ऊपर एक्ट होने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इस सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है तो बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये एम एम आर आर कट होके वी इक्वल्स टू मिल जाएगा रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, बट ये वी सी हम इसको बोलेंगे, जिसका मतलब होगा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। क्रिटिकल मतलब एकदम क्रिटिकल, ठीक है ना, यही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा होगी तो भी नहीं चलेगा, कम है तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी अगर हम सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो गए, तो इसका मतलब सैटेलाइट का प्रोजेक्शन जो है वो क्या होगा, 100% सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो उसके बाद में कंडीशन क्या है कि सपोज हमने जो वेलोसिटी दी थी वो लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या होगा, एवढं तर माहिती की तो सर्कुलर ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, एक चक्कर के बाद में जब वो अर्थ के सराउंडिंग में क्लोज आएगा अर्थ के ऊपर गिर जाएगा, मतलब सैटेलाइट का प्रोजेक्शन फेल हो गया। उसके बाद में पॉसिबिलिटी क्या है, गिवन वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी थी, तो उसका मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या करेगा, अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। और एक क्या पॉसिबिलिटी है, गिवन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर है बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी है। आता एस्केप वेलोसिटी माहिती है आपल्याला काय असते, काय असते, तो अगर लेस देन एस्केप वेलोसिटी मतलब एस्केप नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ये अगेन क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ के अलावा मूव होता है, यानी कि अगेन एक राउंड के बाद में कहीं पे अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा, मतलब सैटेलाइट का प्रोजेक्शन यहाँ पे भी फेल हो जाएगा, या दो ही केस के काम आ चलिए, ठीक है। उसके बाद में पॉसिबिलिटी क्या है, गिवन वेलोसिटी इक्वल हो सकती है टू द एस्केप वेलोसिटी, तो इस केस में क्या होगा, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के एस्केप करके निकल जाएगा, ठीक है, विथ नेग्लिजिबल कंसिडरेबल नहीं होगी उतनी वेलोसिटी से, या फिर अगर हमें हमने डिसाइड किया है कि उस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है, जैसे मार्स के ऊपर भेजना था हमें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी गिवन वेलोसिटी जो है वो एस्केप से ज्यादा रखते हैं, तो गिवन डायरेक्शन के अलोंग हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे एमओएम हुआ था, मार्स ऑर्बिटल मिशन, तो उसमें हमने अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट को लॉन्च करके उसको 2 to 3 मंथ तक अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर चक्कर लगाए थे,
जब वो स्टेबल हो गया, सारी चीजें कंट्रोल थी, फिर इंजन स्टार्ट किए और गिवन वेलोसिटी जो थी उसकी एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर बना दी, फिर उसने क्या किया, अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के वो निकल पड़ा जहां पे मार्स आने वाला था। मार्स आने वाला था मतलब, आने वाला था मतलब असं का म्हटलो मी, आएगा तब, क्योंकि अर्थ का पीरियोडिक टाइम अराउंड द सन एंड मार्स का पीरियोडिक टाइम अराउंड द सन सेम नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन ये थी, यहां पे अर्थ है तब यहां पे मार्स था, उसके बाद में हमें मालूम था कि एक डेट थी एग्जैक्ट 14 सितंबर 2000, तो मैं लक्षात नहीं बट या मध्ये चेंज हो सकतो, 14 सितंबर 2013। तो उस डेट पे ये जो अर्थ है उसके एग्जैक्ट जवल ऐसे मार्स आने वाला था। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट पे ये जो हमारा सैटेलाइट था वहां पे MOM स्पेसक्राफ्ट था उसको यहां से भेज दिया, और उसकी वेलोसिटी प्री कैलकुलेटेड थी कि इसको इस पॉइंट पे आने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मार्स वहां से यहां तक आने वाला है। फिर ये दोनों साइमल्टेनियसली यहां पे आ गए, बट हमने क्या किया था, वहां पे ये ग्रेविटी के बाहर जाने के बाद उसको एक बार वेलोसिटी दे दी, फिर वो क्या करेगा, रूट ऑफ वी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से ट्रैवल करेगा। ये वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है हमने कैलकुलेट की थी, उसके अकॉर्डिंग हम इग्निशन को कंट्रोल कर रहे थे बाय यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स, और वो मेंटेन होने के बाद उतने टाइम में वहां पे जाने वाला था। तो यहाँ पे हमने उसका फ्यूल कट कर दिया, कारण आपल्याकडे पीएसएलव्ही होता, मी स्टार्टला सांगितलं की पीएसएलव्ही इवन 36,000 किलोमीटर तक लेके नहीं जा सकता है, आपण मार्सवर पाठवलाय काही पण करू शकतो, ठीक आहे। तो यहाँ पे पीएसएलव्ही लेके जा रहा था, म्हणजे प्रॅक्टिकली इस्रो सोडलं तर कोणी विचार पण केला नव्हता की अर्थ के सराउंडिंग के जो पोलर ऑर्बिट होते उनके बाहेर कभी पीएसएलव्ही को भेजना है, ठीक आहे। बट यांनी करून बघितलं, कारण हा टाइम जर गेला असता तर परत 10-12 वर्षानंतर अशी वेळ आली असती, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बेसिकली यहाँ पे टाइम डिटरमाइन करके इसको भेज दिया, यहाँ तक फ्यूल पूरा कट था। जब इसने मास के ग्रेविटी में एंटर किया फिर से इनके इंजिन स्टार्ट हो, मग परत टेंशन वाढलं कारण सॅटेलाइट इकडे गेलो, मग आपल्याला अर्थवर इकडे काही दिसत पण नव्हतं, आपले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जात पण नव्हते, है ना, ब्लॅक स्पॉट। फिर या पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मग सगळे देवाची प्रार्थना करायला लागले एंड सॅटेलाइट या पे आ गया, और फिर धीरे धीरे वो मार्स के सर्फेस के ऊपर लॉन्च हो गया। कळलं ना, असं वाटतं तेवढं सोपं नसतं वाळा नाही, ठीक आहे ना। बट हे सगळं आपण करू शकतो बिकॉज ऑफ हाँ फिजिक्स, हा पण इम्पॉर्टंट होता। तो ये सैटेलाइट, ये स्पेसक्राफ्ट तब से हमने भेजा है, तब से ये रेगुलर वर्क कर रहा है, अभी भी वर्किंग में, रोज सकाळी उठल्यानंतर सनलाइट वरून चार्ज करतो आणि वर्किंगला जातो। अहमदाबाद बेस्ड लॅबोरेटरी, वहां से पूरा डेटा हम कलेक्ट करते, कळतो, डेटा कलेक्ट करते, म्हणजे कशाचा डेटा आहे तिथं, हे असंच काय फ्युनरल्स मिनरल्स, मला वाटलं फ्युनरल्स कोणते बघतो तिकडं, हां सॉइल मिनरल्स, म्हणजे आपल्याला जमल का तिकडं जायला आपण विचार करतो, ठीक आहे ना, आहे का, ते घेऊन यायचं आपल्याला एक्सप्लेन। रिपीटर बॅच तुमची संपल्यानंतर निवांत टाइम आहे तुम्हाला, अशी वेळ आल्यानंतर एक्सपान्स एक वेब सिरीज आहे, लिहू नका वेब, मी नंतर पण सांगेल तुम्हाला, कळालं ना, पण आता नाही, आता बघायला लागले तर नीट येऊन जाईल पण ते संपणार नाही, कळालं ना, 76 एपिसोड आहेत त्याची, त्यामुळे बघू नका, कळालं, ठीक आहे। तो उसमें जो है ना ये सारी चीजें एकदम साइंटिफिकली एकदम प्रॉपर वे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नंतर बघा, कळालं ना, आता काही बघायची गरज नाही तुम्हाला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च करके, मतलब ये सारी केसेस जो थी ये फेल्योर था हमारा, लेकिन ये केस जो है हम डिटरमाइन करते हैं कि उसको किस डायरेक्शन पे कहाँ पे भेजना है, ठीक है। जैसे जेम्स वेब को भी अभी भेजा है, कहाँ पे, वो ग्रेविटी के बाहर है, कौन है ग्रेविटी के बाहर है, थे पागल, ग्रेविटी में ही है वो, ठीक है। चलो तो हो गया, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कैसे करते, क्लियर हो रहा है, यस नो, ये लिहायचं नाही, फक्त माहित पाहिजे आपल्याला, कळालं ना, हे लिहिण्यासारखं नाही आहे, हे विसरणार पण नाही तुम्ही, बरोबर आहे, जर वाटतं असं की विसरणार आहे तर नंतर परत रेकॉर्डेड लेक्चर बघून घ्या। तो बेसिकली क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट जो थी उसको काम होने के बाद फेंक दे रहे थे हम, मतलब सगळे जगभरातली येडे कपाळे, ठीक आहे। बट उसी बीच क्या हुआ, एक इलॉन मस्क बोल के एक आदमी है, आदमी नहीं आता तो जगातला सगळा श्रीमंत आदमी हो, ठीक आहे। तो उसने असंच त्याला रात्री झोपताना डोक्यात वाटलं की नाही पृथ्वीवर खूप जास्त पोल्युशन वाढलंय, इंटरस्टेलर बघितलं त्यांच्याला टेन्शन आलं, है की नाही,
अगर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसने क्या सोचा कि नहीं अभी दूसरे प्लैनेट के ऊपर जाना है, तो उसने सोचा कि नहीं हम मार्स के ऊपर जाके अपार्टमेंट बनाएंगे और वहां पे फ्लैट बेचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्स के ऊपर जाना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, लोग खाना खाए ऑक्सीजन कुटुंब भेटना, और उसके लिए उसको स्टडी करनी थी, पूरा प्लान रेडी किया, और फिर वो वर्ल्ड की जितनी सारी स्पेस एजेंसीज थी उनको जाके मीटिंग करने लगा कि आमचा असा प्रोजेक्ट है, त्यांना कळत होतं येड्यासारखं काही गप्पा मारतं, बट इलॉन मस्क समोर होता, त्यांना रिजेक्ट करता येत नव्हतं। मग ते त्याला जो काही एक्सपेंडिचर लागणार आहे त्याचं कोटेशन देत होतो, आणि त्या कोटेशन मध्ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट उसको जो मार्स के ऊपर भेजना था उसका एक्सपेंडिचर इतना था कि यांनी सगळ्या कंपन्या विकल्या असत्या तेव्हा, तरी पण तेवढं इक्वल होत नव्हतं। आणि उसपे मतलब मार्स के ऊपर जाके सारी अपार्टमेंट बना के लोगों को भेजने के लिए जो नंबर ऑफ ट्रिप्स अरेंज करनी थी ती त्याच्या या जन्मामध्ये पॉसिबल नव्हती, म्हणून त्यांनी काम धंदे बंद केले, स्वतः आला, ही इज एन इंजिनियर, ठीक है। तो उसने खुद स्टडी की थी इन सारी चीजों की, असं का होत आहे बेसिक बेसिक गोष्टीवर, कि मार्स वर किंवा एक स्पेसक्राफ्ट है किंवा एक सॅटेलाइट है ते आपल्याला लॉन्च करायला एवढा का खर्च लागतो। फिर उसको मालूम हो गया कि ये एडे कबाळे लोक काय करतात, एवढ्या मेहनतीनी एवढे 2-4 हजार कोटीनी बनवलेलं जे फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट होती है उसको पर्टिक्युलर हाइट पे जाने के बाद समुंदर में फेंक देते, डिस्ट्रॉय कर देते। फिर स्पेसएक्स बोल के उसकी फर्म है जिसने सबसे पहले ये आइडिया इम्प्लीमेंट की थी कि फर्स्ट स्टेज जाएगी रॉकेट की, सैटेलाइट को उसके हाइट तक मतलब यहाँ पे भेज देगी, फिर सैटेलाइट डिटैच होके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा बट हम क्या करेंगे, दो ट्रैकिंग डिवाइस बता देंगे, एवडो सोपो होते, ठीक है। इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस होगा और एक समुंदर में इसके बाजू में एक ट्रैकिंग शिप होगी। अब ये ट्रैकिंग डिवाइसेज जो है एक दूसरे को अरेंज करेंगे, मतलब ये ट्रैक करेगा कि क्या पे कहाँ पे गिरने वाला है, और उस पोजिशन पे आपल्याला कंट्रोल कराने की गरज नहीं, शिप खुद ब खुद वहां पे जाएगी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्यूल बचा के रखेंगे, तो जहां पे ये स्पेसक्राफ्ट की फर्स्ट शिप या फिर रॉकेट की फर्स्ट स्टेज नीचे गिरने वाली है एग्जैक्ट उसके नीचे ये बोट आके खड़ी होती है, शिप आके खड़ी होती है, एंड ये फ्री फॉल करता है एकदम नीचे स्पीडली, एकदम हाई स्पीड से नीचे गिर जाता है, और जैसे गिरने वाला ही होता है 2 मिनट बिफोर अपने इग्निशन स्टार्ट करता है, और वो इंजन जो है स्टार्ट होने के बाद उसकी फ्री फॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम करते करते 0 किलोमीटर पर आवर से इसके ऊपर लॉन्च करता है, और इसमें मोर देन 92% अमाउंट जो वेस्ट हो रही थी वो बच जाती है। त्यामुळे आजच्या डेटला इसरो नासा यांच्यापेक्षा स्पेसएक्सचा जो कारभार आहे, कारभार कळतो ना, तो मोठा आहे, ठीक आहे। चल सोडून द्या, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलॉसिटी। क्रिटिकल वेलॉसिटी लिहायचंय, क्रिटिकल वेलॉसिटी काय काय लिहायचं काहीच नव्हतं, मी एक्सप्लेन केलं फक्त ते लिहिलं याच्यासाठी की परत पवन येईल सर, ते प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाइट सांगितलंच नाही तुम्ही, मग हे का लिहिलं होतं ते त्याला मी तेव्हा एक्सप्लेन करेल, ठीक आहे। राईट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलॉसिटी। क्रिटिकल वेलॉसिटी क्या होती, क्रिटिकल वेलॉसिटी मतलब प्रतीक तू काय करतोय बाळा, जायचं ना, मास्क कुठे तुझं, द मिनिमम हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी, द मिनिमम हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी दिशा, मिनिमम हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी दॅट शुड बी गिवन, मिनिमम हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी दॅट शुड बी गिवन टू द सॅटेलाइट, मिनिमम हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी दॅट शुड बी गिवन टू द सॅटेलाइट, डोर क्लोज कर परत, मिनिमम हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी दॅट शुड बी गिवन टू द सॅटेलाइट सो दॅट, सो दॅट इट विल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन, सो दॅट इट विल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये होती है क्रिटिकल वेलॉसिटी, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा देखो, कि सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे स्मॉल एम आर आर कट होके हमें क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, वेयर जी का मतलब तेच आपलं पहिल्यापासूनच युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जिसकी व्हॅल्यू होती 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर, कॅपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, कितना होता है 6 × 10⁻²⁴ kg, फक्त इथं आर चेंज होतो, आर का मतलब स्मॉल आर का मतलब यहाँ पे होगा आर प्लस एच, बट हमने स्टार्ट से पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h कितना होता है gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यानी यहाँ के gm को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रूट ऑफ जी एच इंटू आर का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर, बट कट होके ये बनेगा रूट ऑफ जी एच इंटू आर,
नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हमें रिवॉल्विंग सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा बनेगा v अपॉन आर, बट v कितना है रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, एंड अगर इस आर को हमें अंदर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो आर स्क्वेयर अंदर जाके मल्टीप्लाई होके ये बनेगा रूट ऑफ जी एम अपॉन आर क्यू। ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। उसके बाद में अगर उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो टी इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसका मतलब ये बनेगा 2 पाई इंटू रूट ऑफ स्मॉल आर का क्यूब अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, एंड फिर जिसके ऊपर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी स्क्वेयर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द आर क्यूब। आगे जाके यही एक्सप्रेशन हम अप्लाई करेंगे जब केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़ना है, तो यानी टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्लैनेट एंड सन के लिए भी एप्लीकेबल था, वैसे सैटेलाइट एंड अर्थ के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब क्वेश्चन में अगर एच दिया है टी कैलकुलेट करना है तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा, लेकिन अगर टी दिया है एच कैलकुलेट करना है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, टी स्क्वेयर बनेगा 2 पाई स्मॉल आर को लिख देंगे कैपिटल आर प्लस एच, इसका क्या है क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम, काय के लिए तो करते हैं बगा, ये जो रूट था इसको निकालने के लिए दोनों साइड में हमने स्क्वेयर किया, तो 2 पाई का स्क्वेयर क्या बनेगा 4 पाई स्क्वेयर इंटू आर प्लस एच का क्यूब एज इट इज है जी एम एज इट इज है, और हमें यहां से एच कैलकुलेट करना है तो पहले हम आर प्लस एच के क्यूब को इक्वल टू लिख देंगे, क्या बनेगा ये टी स्क्वेयर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वेयर। अब यहां पे h चाहिए था इसलिए दोनों साइड में लेंगे क्यूब रूट, तो यहां पे क्यूब चला जाएगा मतलब ये बनेगा r प्लस h, एंड यहां पे क्यूब रूट लिया है मतलब ये बनेगा टी स्क्वेयर जी एम अपॉन 4 पाई का स्क्वेयर रेस टू 1/3, एंड हमें चाहिए था h तो प्लस r उधर जाके बनेगा, तो यानी कि हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करनी है तो वो बनेगी टी स्क्वेयर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वेयर रेस टू 1/3 माइनस आर। हे सगळे लर्न नाही केले तरी चालेल, बट डिराइव कसे केले प्रोसेस माहित पाहिजे। मास्क लावून बंद करायची बर का बर, ओ विंडो ओपन कर पटकन जाईल कोण तरी पटकन, मास्क मास्क आवडी मास्क, माझं पण मागून घेऊ का, तुम्हाला सरांचंच नाही आहे। हो गया लिख के। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम पवन, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू एम इंटू व्ही इंटू आर, बट हा मास कोणाचा घ्यायचा अर्थचा की सॅटेलाइटचा, अर्थचा नाही जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसका, तो ये बनेगा एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू व्ही मतलब कितना है रूट ऑफ जी एम अपॉन आर इंटू बनेगा आर, यानी कि यहां पे अगर मास को अंदर लेके जाना है या फिर बाहर ही रखेंगे एंड आर को अंदर लेके गए तो ये बनेगा एम इंटू जी एम इंटू आर, ये बन गया एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम रेडियस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ आर है, ठीक है एल प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर है। एंड अगर आपको बोला है कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता है जनरली होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r²
लेकिन वहां पे अगर रिलेशन थोड़ा सा चेंज करके आपको बोला है कि एक केस है जहां पे ये एफ प्रोपोर्शनल टू है वन अपॉन आर रेस टू एन, तो वी के साथ ये आर का रिलेशन क्या होगा? अब जब ये आर स्क्वेयर था तो वन अपॉन आर रेस टू कितना था, कितना था, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, मतलब आर रेस टू कितना है, या फिर रूट ऑफ आर रेस टू कितना है, वन है, मतलब जो यहां पे टू है तो उसमें से वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर ये एन है तो ये क्या बनेगा, एन माइनस वन। वही अगर टी स्क्वेयर बोला है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर रेस टू। अब देखो जब ये एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर था, टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू ये तो ले लो, तो बगा आर क्यूब था, इसका मतलब 2 + 1 कर रहे थे, अगर वो n के साथ प्रोपोर्शनल है तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू n प्लस वन होगा। राइट डाउन, सो दिस इज ऑल अबाउट सैटेलाइट एंड प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। अब थोड़ा सा कल का एंड आज का पॉइंट मिक्स करके और एक कंसेप्ट हमें देखनी है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। राइट डाउन, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जो हर एक बॉडी को अर्थ के ऊपर बाइंड करके रख रही है, बाइंड करके रख रही है मतलब पकड़ के रख रही है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। राइट डाउन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सो दैट इट कैन एस्केप्स, सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, सो दैट इट कैन एस्केप्स फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, सो दैट इट कैन एस्केप्स फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। जो एस्केप वेलोसिटी थी वही डेफिनेशन है, सिर्फ वेलोसिटी रिप्लेस बाय एनर्जी हो गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर से एस्केप करेगी। तो हम इसको फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करना है हमें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बॉडी की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। दे पवनला पन देख, हाँ, कोई बॉडी अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो वो रेस्ट में होगी, एंड अगर बॉडी रेस्ट में इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी भी जीरो होगी, एंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बनेगी जीरो। अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, इतनी होती है। यानी कि टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इतनी होगी। दोगे सारे दिसल, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, ये बन गई टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तुमची माझी डाइसची बोर्डची सगळ्या बॉडीची एनर्जी। जहां पे जी का मतलब कितना होता है, 9.6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। तो ये हो गई टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन हमें यहां पे फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी को। तो टोटल एनर्जी निगेटिव है एंड हमें बॉडी को बाइंडिंग एनर्जी देनी है, इसका मतलब बॉडी को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे बॉडी की टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। ये बगा बॉडी की टोटल एनर्जी जीरो बन गई, इसका मतलब बॉडी क्या करेगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप होके चली जाएगी। इसका मतलब हम यहां पे बाइंडिंग एनर्जी को लिखेंगे माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। कल भी हमने इसी को यूज करके एस्केप वेलोसिटी को डिराइव किया था। अब सेम पॉइंट हम फाइंड करेंगे फॉर द सैटेलाइट जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है
एट हाइट h, h इतने हाइट पे जो रिवॉल्विंग सैटेलाइट है उसकी हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। अब फिर से अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट है तो भी उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट है तो फिर से काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ m स्क्वायर ही होगी, ठीक है। तो बट v का मतलब कौन होता है, VC होता है, VC क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ। तो इसको अगर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2R। फक्त V चा स्क्वेयर केला, m बाय 2 ने मल्टीप्लाई केला। उसके बाद में रिवॉल्विंग सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ GmM अपॉन स्मॉल r विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल r विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल r। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। यानी रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इनको ऐड करना है, कर सकते हैं इसके एडिशन। क्या है देखो, जीएमएम अपॉन आर तो कॉमन आएगा, 1/2 - 1 या फिर -1 + 1/2 क्या होगा, वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी बन गई माइनस ऑफ GmM अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। एंड अगर ये टोटल एनर्जी है तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी फिर से क्या होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। यानी रिवॉल्विंग सैटेलाइट को अगर हमें एस्केप कराना है तो उसको जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितनी होती है, जीएमएम अपॉन 2R होती है। सरफेस के ऊपर कितनी है, मग आपल्याला रिवॉल्विंग सैटेलाइटला वरच्यावर पाठवणं सोपं आहे की अर्थच्या सरफेसवरून लॉन्च करणं सोपं आहे। त्यामुळे आपण जेव्हा स्पेसक्राफ्ट अर्थच्या ग्रॅव्हिटीच्या बाहेर पाठवतो पहिले त्याला सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरवतो, त्यानंतर त्याला एक्स्ट्राची एनर्जी प्रोव्हाइड करतो। तो ये हो गया ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एज वेल एज फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट। नेक्स्ट पॉइंट वी स्टार मार्क, एक की दोन बार। वन, चला साढ़े 2 मिनट। चलो नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, एज एज डिस्टेंस ऑफ बॉडी, एज डिस्टेंस ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एज डिस्टेंस ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ क्या क्या होगा बोलो, टोटल एनर्जी विल डिक्रीज। वेरी गुड, लिया टोटल एनर्जी विल डिक्रीज, टोटल एनर्जी विल इंक्रीज, लागलेली आहे ना। हे बघा काय होतंय, हे काल पण आपण डिस्कस केलं होतं, एज आर इंक्रीजेस वी या फिर यू इंक्रीजेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन वहां पे साइन कौन सा है, निगेटिव है। तो जैसे बॉडी का डिस्टेंस अर्थ से बढ़ता जाएगा वैसे टोटल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होगी। तो काइलिनर फर्स्ट स्टेटमेंट, एज डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस इट्स टोटल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। देन पोटेंशियल एनर्जी वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो भी निगेटिव है, बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ये बघा काइनेटिक एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये पॉजिटिव है, मतलब आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब स्पीड भी वेलोसिटी भी कम होगी। तो लिखो फिर, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। के टी पी ये एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, टी का मतलब टोटल एनर्जी, पी का मतलब असं का, कारण पोटेंशियल एनर्जी पेक्षा टोटल एनर्जी ची वैल्यू जास्त असते, ठीक है, इसलिए खाली वर है। बाकी दोनों ग्राफ का नेचर सेम ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसलिए पैराबोलिक पाथ बना है। तो ये हो गया ऑल अबाउट एनर्जीज। अब और एक पॉइंट विद स्टार मार्क, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ
वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इट मीन्स एच इज नियरली इक्वल टू जीरो, एंड एच अगर जीरो है तो इसका मतलब आर प्लस एच को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आर लिखेंगे। तो इस कंडीशन को बोला जाएगा कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो इससे होगा क्या, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था वी सी इक्वल टू रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर, बट स्मॉल आर होता है आर प्लस एच जिसको हम आर बोल रहे हैं, मतलब ये बनेगा रूट ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल आर, करते का? तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे जी की वैल्यू, एम की वैल्यू एंड आर की वैल्यू, काल्पन अपन एक क्वेश्चन सोडोला होता सेम टाइप का, अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट हाइट आर है एंड सडनली रुक जाता है और अर्थ पे गिरता है, तो अर्थ को स्ट्राइक करेगा विथ वेलोसिटी विच इज अप्रोक्सिमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड, जितनी वहां पे थी उतनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड, कब, अगर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ असं क्लियरली स्टेटमेंट मध्ये म्हटलंय कि वहां एच इक्वल टू जीरो दिया है तब। बट कंडीशन क्या है, देखो कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, मतलब रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट ऑफ gm अपॉन आर, चलते कसो। अब यहां पे रूट ऑफ gm अपॉन आर इसका मतलब कौन है, vc, यानी ve इक्वल्स टू होता है रूट 2 टाइम्स ऑफ vc। बट ये कब एप्लीकेबल है, ओनली इफ वेरी गुड इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ यानी एच इक्वल टू जीरो। हो गया, नेक्स्ट आर मार्क, परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ऑफ द सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ टू एस्केप इट। परसेंटेज इंक्रीज क्यों करना है, एस्केप करना है उसको, टू एस्केप इट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस, फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस। स्टेटमेंट लिखा है वो समझ में आ रहा है, एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व हो रहा है कहां पे, वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, और हमें क्या करना है उसको एस्केप करना है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से, लेकिन एस्केप करने के लिए हमें सिर्फ वेलोसिटी चेंज करनी है, तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालते कैसे है, क्या है फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब कंडीशन क्या है कि जब सैटेलाइट एस्केप हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी होगी, लेकिन जब एस्केप नहीं हो रहा था तब उसकी वेलोसिटी मतलब कौन थी, वीसी थी, अपॉन भी कौन आएगा वीसी इंटू कौन आएगा 100। बट अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ है तो वीई का मतलब रूट टू टाइम्स ऑफ, तो ये क्या बनेगा रूट टू टाइम्स ऑफ वीसी माइनस वीसी अपॉन वीसी इंटू 100। तो यहां पे वीसी वीसी कॉमन कॉमन लेके डिनोमिनेटर के वीसी के साथ कैंसल, तो ये बनेगा रूट टू माइनस 1 इंटू 100, बट रूट टू होता है 1.414 माइनस 1 इंटू कौन है 100, एंड इनकी सब्सट्रैक्शन करने के बाद परसेंटेज इंक्रीज कितना आता है 41.4%। इतने परसेंट से अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार मार्क, परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट,
परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। सेम पॉइंट या इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ टू एस्केप इट, पहले वेलोसिटी थी, अब क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी के लिए फिर से फॉर्मूला वही होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी इनटू 100। अब एनर्जी हम पोटेंशियल तो चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेंज करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, हाफ ऑफ एम इनटू वी का स्क्वायर, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, माइनस क्या होगा, हाफ ऑफ एम इनटू वीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ एम इनटू वीसी का स्क्वायर इनटू बनेगा 100। तो यहां पे क्या होगा, 1/2m, 1/2m कॉमन लेके कैंसल। वीई का मतलब क्या होता है, रूट टू टाइम्स ऑफ वी सी, यहां पे कर रहे हैं उसका स्क्वायर, यानी फिर से परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी जब करेंगे, वी सी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 - 1 × 100, 2 - 1 × 100, एनर्जी आपल्याला काय करावं लागेल, 100% नी वाढवावं लागेल, 100% नी वाढवतो, याचा अर्थ काय होतो, पहिले अगर ई आहे तो बाद में कितनी बनेगी, ट्वाइस ऑफ ई, मतलब एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, फिर रिवॉल्विंग सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के फ्री हो जाएगा, एस्केप करेगा। हो गया, नाउ लास्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज कुठला बाकी होता, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, राइट ऑन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कौन होता केपलर, और साइंटिस्ट होता। बेसिकली देखो, सबसे पहले अर्थ गोल है, स्फेरिकल है, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसे किसने बोला था, गैलीलियो, गैलीलियो से पहले बोला था आर्यभट्ट ने, ठीक है, बट अपन कहीं स्टडी करत नहीं, अपन यूरोपियन साइंस स्टडी करते हैं। तो गैलीलियो से पहले यूरोपियन कंट्रीज ऐसे मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, सपाट है, अपन जर चालत रहो तरी पड़न जाऊ खाली, कुठे पड़ना अपने माहित नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ क्या है, फ्लैट है, ये 14th-13th सेंचुरी तक यूरोपियन लोग एक्सेप्ट करते थे, वही फॉलो करते थे। और उनका दूसरा और एक पार्ट था कि जो है अर्थ सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व नहीं करती है, आपल्याला दिसतं ना सन इकडनं आला आणि तिकडे गेलाय, म्हणजे सन काय करतोय, अर्थच्या सराउंडिंगला रिव्हॉल्व करतोय, आणि या कन्सेप्टवर त्यांचं कंप्लीट जे काही ऍस्ट्रॉनॉमी होती ती डिपेंड करत होती। बट गॅलिलिओने टेलिस्कोप बना के फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्झर्व किया था, अरे असं नाहीच आहे, खूप मोठा घोळ आहे, काय घोळ होता, अर्थ तो फ्लॅट है ही नहीं, कारण टेलिस्कोप से जब ग्राउंड के ऊपर देखेंगे तो एक डिस्टेंस के बाद में उसका कर्वेचर दिखाई देता है, मतलब अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। उसके बाद में भारतात कोण आला होता, गोव्याला वास्को द गामा, है ना, तो वास्को द गामा कैसे निकल पड़ा और कैसे आ गया मालूम है आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है। एंड अमेरिका को किसने फाइंड किया था, वेरी गुड, क्यों फाइंड किया था उसने, क्योंकि उसको आना था इंडिया में बट चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहां पे जो भी कंट्रीज है, छोटे छोटे आइलैंड है, उनको इंडीज बोला जाता है, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, रेड इंडियन, लाल भारतीय, ठीक है, अपन काले भारतीय ते लाल भारतीय, ठीक है, सोडून द्या। तो इस तरह की कंडीशन थी, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप को इन्वेंट करके ये ऑब्जर्व किया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है, गोल है, एंड उसके बाद अर्थ सन के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करती है इन टू सर्क्युलर ऑर्बिट, त्यासाठी विचारायला जिवंत जाळून टाकलं होतं, ठीक है, ते सोडून द्या। उसके बाद में जॉन केपलर था, जिसके लॉज हम पढ़ने वाले हैं, वो एक्चुअल में स्टूडेंट था जो वर्क कर रहा था टाइको ब्राहे के साथ में, और ये टाइको ब्राहे ने फिर से अपनी पूरी लाइफ टाइम ऑब्जर्वेशन करके बोला था कि गैलीलियो ने जो सर्कुलर ऑर्बिट बोले वो सर्कुलर नहीं है, कौन सा है, इलिप्टिकल है, बट टाइको ब्राहेचं वर्क लाइफ टाइमचं एवढं होतं की ते आपल्या सारख्या सामान्य लोकांना कळणं पॉसिबलच नव्हतं, ते फक्त एकाच माणसाला कळत होतं, कुठल्या, केपलरला। म्हणून त्यांनी काय केलं, आपल्याला कळणाऱ्या भाषेमध्ये, जर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन एकदम सिंपल स्टेटमेंट आहे, उसी फॉर्म में ये टाइको ब्राहे का पूरा जो वर्क था उसने तीन फॉर्म में हमें एक्सप्लेन किया था, राइट, फर्स्ट वन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इनटू एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाय, माहिती आहे तुम्हाला, लिहून टाका, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इनटू एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट
रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन टू एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाय वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाय मतलब सारे प्लैनेट सर्कुलर पाथ के अलोंग नहीं ट्रेवल करते. किस पाथ के अलोंग ट्रेवल करते हैं? इलिप्टिकल पाथ के अलोंग. और ये जो इलिप्स होता है इसको एक नहीं दो दो सेंटर होते हैं, उसको अपन फोकस बोलते हैं, प्लूरल है मतलब फोकाय बोलते हैं. तो दोनों में से एक फोकाई पे सन है. इस तरह से सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, ये इलिप्टिकल पाथ के अराउंड और अलोंग मूव हो रहे हैं. ये होता है केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ, एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. Equal areas in equal intervals of time. Equal areas in equal intervals of time. That is ये diagram draw करो ना, सके इधर लिखूं टका. नहीं अजून. That is एरियल वेलोसिटी ऑफ एवरी प्लैनेट. एरियल वेलोसिटी ऑफ एवरी प्लैनेट रिमेन्स कॉन्स्टंट. एरियल वेलोसिटी ऑफ एवरी प्लैनेट रिमेन्स कॉन्स्टंट. एरियल वेलोसिटी ऑफ एवरी प्लैनेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, देखो कि ये इलिप्टिकल पाथ के अलोंग हम एक प्लैनेट की मोशन कंसीडर कर रहे हैं कि प्लैनेट ए से लेके बी तक जा रहा है. एंड ए एंड बी को अगर हम सन के पोजीशंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये बनेगा एरिया स्वाइप बाय द प्लैनेट. ए से बी तक जाने के लिए वो कितना एरिया स्वाइप कर रहा है ये शेडेड पोर्शन में हमें दिख रहा है. अगेन हम कोई भी एक दूसरा पोजिशन लेंगे सी, अगेन प्लैनेट जो है वो डी तक जाएगा तो वो जो भी एरिया कवर करेगा वो यहाँ पे शेडेड पोर्शन में शो किया है. एंड अगर हम इस एरिया को ए टू, इस एरिया को ए वन बोल रहे हैं. एंड अगर ये दोनों एरियाज इक्वल है इसलिए मैंने लिखा है कि इफ ए वन एंड ए टू आर सेम देन इनको कवर करने के लिए जो भी टाइम लगा था दैट मस्ट बी सेम. देन टी वन मस्ट बी इक्वल टू टी टू. यानी कि एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी. वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम. यानी डी ए बाई डी टी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. एंड ये डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू होता है एल अपॉन टू एम, वेयर एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट एंड एम का मतलब मास ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, इससे ये तो समझ में आता है हमें कि अगर यहां पे सन है और सैटेलाइट इस पॉइंट के ऊपर है ए, इस ए को बोला जाता है एपोजी ऑफ द इलिप्स एंड पी का मतलब होता है पेरिजी ऑफ द इलिप्स. तो अगर इस पॉइंट पे सैटेलाइट है ए के ऊपर एंड देन दूसरा वही सैटेलाइट पॉइंट पी के ऊपर है तो दोनों कंपेरिजन में किस पॉइंट पे वेलासिटी ज्यादा होगी? देखो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी कम होगी, जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी. इतनी कड़क तर ये एल मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम. एम इंटू वी इंटू आर होता है, यानी वी प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, वन अपॉन आर. यानी डिस्टेंस सन से बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी एंड डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब इंक्रीज होगी. ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वी ए मतलब एपोजी उसके ऊपर जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर इन ब्रैकेट वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई. एंड जो पॉइंट है पेरिगी वहां पे जो वेलोसिटी होती है कितनी है, रूट ऑफ जी एम बाय आर इन ब्रैकेट वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई. नाउ व्हाट इज मीन बाय ई, ई वेरी गुड, ई का मतलब इसेंट्रिसिटी. क्या है इसेंट्रिसिटी, ये जो रेशियो होता है ओ एस टू ओपी
ये हमेशा से कांस्टेंट होता है एंड उसी को हम बोलते हैं एज ए इसेंट्रिसिटी। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लॉ। क्या होता है केपलर का थर्ड लॉ? तो आपण अगोदर प्रूव केलाय, तो स्क्वेअर ऑफ, राइट डाउन, स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिव्होल्यूशन, स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या फिर क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज टी स्क्वेयर बनेगा प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। जैसे कि आपको बोला है कि अर्थ एंड सन के बिटवीन का जो प्रेजेंट डिस्टेंस है अगर वो डबल हो गया तो अर्थ को सन के सराउंडिंग में चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगेगा? पहले ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा करो कैलकुलेट। मतलब यहाँ पे आर वन को हम आर लेंगे, आर टू को टू आर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, टी टू बाई टी वन का स्क्वेयर इक्वल्स टू आर टू बाय आर वन का क्यूब। उन्होंने बोला है डिस्टेंस डबल हो गया मतलब आर टू बना टू आर, तो ये बनेगा टू आर अपॉन आर, इसका आ गया क्यूब, ये आ गया टी टू अपॉन टी वन, इसका स्क्वेयर आर आर कट टू का क्यूब। तो बाद में अगर रूट लेंगे दोनों साइड में तो टी टू बाई टी वन इक्वल्स टू एट का रूट मतलब टू रूट टू, यानी कि टी टू बनेगा टी वन इंटू टू रूट टू, मतलब ईयर में चाहिए तो वो बनेंगे टू रूट टू ईयर्स, एंड अगर डेज में चाहिए तो टू रूट टू इंटू 365। करो इनको मल्टीप्लाई घर पे जाके, आता रहोगे। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई होता है। दिस इज ऑल अबाउट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में सिर्फ इतना ही पार्ट है ना, खूब सोपा टॉपिक है कि छोटा टॉपिक है बड़ा? फक्त डे बाय डे रोजचं जर प्रिपेअर केलं असेल तर खूप सोपं आहे। ज्यांनी पहिल्यापासून प्रिपेअर नाही केलं, आता बघा एकदा नोटबुक बघा किंवा मॉड्यूल बघा ग्रॅव्हिटेशनचं। ठीक आहे, चलो अभी कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन। चार कंप्लीट हो गई है, फाइव एंड सिक्स, और एक पॉइंट है वेटलेसनेस, लेकिन जिसको हम ऑलरेडी एनएलएम में पढ़ चुके हैं। वेटलेसनेस कब फील होता है? जब नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो होती है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो क्यों होगी? जैसे कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ है और उस सैटेलाइट के ऊपर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी डाउनवर्ड है। सैटेलाइट के अंदर पवन बैठा है तो पवन के ऊपर भी एक्ट होने वाला जो फोर्स है उसका वेट एम जी डाउनवर्ड होगा। सरफेस प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगी। यानी कि इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम जी, यानी एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। अगर नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एपरेंट वेट आठ तो का एपरेंट वेट लिफ्ट मध्ये खाली वर जाता ना। ठीक है, तो एपरेंट वेट भी क्या होगा, जीरो होगा। एपरेंट वेट जीरो हो गया मतलब बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग वेटलेसनेस कंडीशन। ठीक है, ये वेटलेसनेस के बाद में और एक पॉइंट दिया है, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। जालेत का क्या होता है इनर्शियल मास? अप्लाइड फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल मास मतलब, मास मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। चला कंसेप्ट एप्लीकेशन फाइव का सिक्स, फाइव कारण पटकन मॉड्यूल आणलेलं नाही आहे मी घेऊन आलोय। तुझी कशी बरी इथं? तुला कालचं काही आठवतच नाही का? घरी सोडवणार? काही सोडत नाही तुम्ही, फक्त काल चार जणांचे फोटो झालेत कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन सोडवली म्हणून। मग टॉपिक संपला की 8 दिवसांनी मग डीपीपी मध्ये मार्क्स कमी पडायला लागले की सर ग्रॅव्हिटेशन कधीच नाही कळाला, मग मी लगेच रिप्लाय देतो सोडून दे बेटा
एवढं काही महत्त्वाचं नसतं, कळालं ना? हे टाईम टू टाईम कंप्लीट केलं तरच होणार. एक टॉपिक झाला आणि नंतर तुम्ही विचार करता आणि आता याला मी रिकवर करणार आहे, हे आपला चेंबरचा सब्जेक्ट नाही, साडेतीन चेंबर, चार चेंबरचा. चला नेक्स्ट कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 5 बघा पटपट, सगळे क्वेश्चन झालेत. चला करा सॉल्व पटपट.